कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस। सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? बंसल जी बेबंद में दुखी थे, कांग्रेस ने धोखा दे दिया। अरे जब हमें धोखा दे दिया तो तुम कहां के बंसल हुआ? नमस्कार, आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। इंडिया महागठबंधन बनने से पहले ही टूटने लगा है। जी हां, आज से दो दिन पहले जनसभा में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कह दिया कि कांग्रेस के राहुल गांधी को फुर्सत ही नहीं है, पांच राज्यों के चुनाव में घूम रहे हैं, कांग्रेस को गठबंधन से कोई मतलब नहीं है, अच्छा है चुनाव खत्म हो जाने दीजिए फिर बैठकर बात करेंगे। और इनका उनका इतना कहना ही था कि खड़गे ने फोन लगा दिया था नीतीश कुमार को, लालू यादव तेजस्वी यादव दौड़े दौड़े नीतीश कुमार के यहाँ गए थे। लेकिन अभी कुछ देर पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में कहा है कि कुछ भी कर लीजिएगा, कांग्रेस को वोट मत दीजिएगा। तो क्या कांग्रेस को वोट मत दीजिएगा कहने के पीछे अखिलेश यादव मध्य प्रदेश की जनता को कहीं ये तो कहना नहीं चाहते कि आप भले वोट हमें मत दीजिएगा, कांग्रेस को भी मत दीजिएगा? यानी वोट दिलवाना किसे चाहते हैं अखिलेश यादव? पहले सुनवा दें अखिलेश यादव के इस बयान को। कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस। सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? बंसल जी बेबंद में दुखी थे, कांग्रेस ने धोखा दे दिया। अरे जब हमें धोखा दे दिया तो तुम कहां के बंसल हुआ? बंसल जी दुखी है, कांग्रेस ने धोखा दे दिया, हमें पहचाना ही नहीं। अरे भाई जिनकी उम्र 80 साल हो कैसे पहचान? तो आपने सुना, सीधे मंच से उन्होंने कहा कि कांग्रेस को वोट मत दीजिएगा, ये बहुत बड़ी 420 पार्टी है। ये भी आपने सुना होगा उनके भाषण के अंदर, उन्होंने कहा कि 420 पार्टी है, बहुत ही निकम्मी तो नहीं कहा, लेकिन कहा कि ये किसी का साथ देने वाले लोग जो हैं वो नहीं हैं। भाजपा पर भी उन्होंने हमला बोला, लेकिन थोड़ा सधे शब्दों में। हम सुनवा दें कि भाजपा के लिए क्या कहा उन्होंने। लेकिन जब टिकट की बात आई तो इनको भी उन्होंने धोखा देने का काम किया। अब ये बात मैं नहीं जानता हूं कि किस कारण किन परिस्थितियों में क्या लाभ देकर के टिकट दी होगी, लेकिन आज मैं आप सबसे निवेदन और अपील करने आया हूं कि समाजवादियों की आप मदद करें। कई बार ये बड़े बड़े दल ये पूछते हैं कि समाजवादी पार्टी ये कौन सी पार्टी है। मैंने उनसे कहा और यहां पर जितने नौजवान खड़े हैं उनके पास मोबाइल है, गूगल कर करके देख लेना। मैंने उन बड़ी पार्टी के लोगों से कहा कि वो समय याद कीजिए कि जिस समय देश के प्रधानमंत्री एक सड़क पर हवाई जहाज लेकर के उतरे थे, और जब हवाई जहाज से उतरे थे तो अकेले उतरे थे। अगर किसी ने वो सड़क बनाई थी जहां पर एयरफोर्स का सबसे भारी वाहन उतर सकता है तो वो समाजवादी पार्टी थी, उसी की वजह से देश के प्रधानमंत्री ऐसी सड़क पर उतर पाए। वो तो सड़क समाजवादियों ने बनाई, हवाई जहाज उतर गया, सड़क को कुछ नहीं हुआ। जिन साथियों ने अखबार पढ़ा होगा, देश के प्रधानमंत्री जी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था, दूसरे दिन पानी बरस गया, वो सड़क पूरी बह गई। मैंने जानकारी की ये सड़क बनाने वाला कहां का है तो पता लगा वो मध्य प्रदेश में बीजेपी का खासन खास ठेकेदार है। सुना आपने, 22 उम्मीदवार उतारे हैं अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, और इतने ही उम्मीदवार के आसपास जो है वो जदयू ने भी उतार दिया है मध्य प्रदेश में। अब देखना ये है कि क्या इनके उतारे गए उम्मीदवार किसको फायदा पहुंचाएंगे, क्या भाजपा के वोट कटेंगे या कांग्रेस के कटेंगे, ये तो उस समय की बात होगी, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ।